प्रदेश में एसीबी का बड़ा धमाका, अलवर के एएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पर्दाफाश, तीन लोगों को रिश्वत लेते पकड़ा। अलवर, अजमेर और जोधपुर से पकड़े गए एक एक आरोपी, बेरोजगार लोगों को भर्ती करने के आरोप में किया गिरफ्तार। जोधपुर में नर्सिंग कर्मी महिपाल गिरफ्तार, एएमजे कंपनी के मालिक को किया गिरफ्तार, 15 लाख की राशि के साथ मिथेश भाई गिरफ्तार। अजमेर टोल पर अजमेर एसीबी ने किया गिरफ्तार। अलवर में कंपनी का सुपरवाइजर भरत पूनिया भी गिरफ्तार, 4.5 लाख के साथ भरत पूनिया को गिरफ्तार किया गया। नर्सिंग कर्मी भर्ती के लिए लेते थे 1.5 से 2 लाख रुपए, नर्सिंग कर्मी अर्दली के लिए लेते थे 60 से 90 हजार रुपए। एमपी बालकनाथ के पीए की भूमिका संदिग्ध, पीए पर कंपनी से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप। एएसपी बजरंग सिंह, विजय सिंह, सतनाम सिंह ने दिया कार्रवाई को अंजाम। डिप्टी एसपी कमल नयन, प्रिया व्यास और शिव सिंह की अहम भूमिका रही। डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई। अजमेर, जोधपुर और अलवर में चल रही थी वसूली, किसी से 80 हजार तो किसी से 1.5 लाख वसूले। कॉन्ट्रैक्ट पर होनी थी नर्सिंग कर्मियों की भर्ती, उसी में ईएसआईसी के स्थायी कर्मचारी भी हुए शामिल, फिर बड़े अधिकारी भी पूरे खेल में शामिल। रात भर एसीबी ने खंगाले दस्तावेज, फोन रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगी, उसके बाद कुछ और नाम आ सकते हैं सामने। तो देखिए कितने सारे लोगों को एसीबी ने दबोचा। अलवर के ईएसआई मेडिकल कॉलेज में संविदा पर होने वाली भर्तियों में घपले को लेकर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। अलवर में जो कोऑर्डिनेटर था भरत पूनिया, उसे गिरफ्तार किया गया है। 4,50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। ये एसीबी की टीम है जो अभी रात के 3 बजे तक अभी काम पर है, काम यहाँ पर कर रही है। इसके अलावा 2 और लोग पकड़े गए हैं, जो एस के सोलंकी कंपनी है जिसे ठेका लिया था, उसे गिरफ्तार किया गया है और 14 लाख से ज़्यादा रुपए बरामद किए गए हैं। एक आरोपी महिपाल है जिसे जोधपुर से गिरफ्तार किया गया है और महिपाल से भी 70 हजार रुपये से ज़्यादा बरामद किए गए हैं। ये टीम में प्रिया व्यास हैं, रघुवीर शरण हैं, कमल नैन जी। हम पूछ लेते हैं सर, पूरी अभी तक क्या कार्रवाई है, कितने लोग अभी तक गिरफ्त में आए हैं? सर, अभी तक हमने भरत पूनिया को यहाँ से गिरफ्तार किया है और जो काना राम है उसको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। साथ में दो, एक तो जिस एमजे सोलंकी कंपनी है इसके मिनेश पटेल है, उनको रास्त गेगल के अंदर हमने रोका था। हमारे यहाँ की सूचना पर अजमेर टीम द्वारा रोका गया था। उनसे 15 लाख रुपये बरामद कर लिए गए। और एक जो महिपाल है जोधपुर में, जो एम्स का कर्मचारी है, उसका इसमें बड़ा रोल था। वो लोगों से पैसा लेके, कर्मचारियों से पैसा लेके इसमें भर्ती करवाने का काम करता था और इनसे साठ गांठ करता था। किस नाम पे पैसे लेते थे, क्यों पैसे? क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती थी, उसके बाद भी पैसे क्यों ले रहे थे? ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। जो संविदा, एक्चुअल में ये संविदा पर नौकरी दी जा रही थी और मात्र 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी का, लेकिन ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे कि आपको नौकरी दे रहे हैं और नौकरी पर आपको जो मिलने वाला पैसा है मंथली, उनका 3 से 4 गुना जितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, उनसे 3 से 4 गुना सैलरी आपको एडवांस में दोगे तो हम आपका चयन करेंगे। और वो उस नाम से लोगों से पैसा ले रहे थे। ये इसमें फिर भी देखा कि कुछ नेताओं के फ़ोन भी इनके पास आ रहे थे कि उन्हें कुछ बच्चे जो उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि लगा दो, जिसमें राज्य मंत्री का नाम आया, सांसद के आदमी का नाम आया, एक पूर्व विधायक का आया। नहीं, ये नाम आ रहा है, लेकिन ये एक तफ्तीश का विषय है जिन पर अनुसंधान किया जाएगा। क्या वो सिर्फ नौकरी की बात थी या वहाँ भी कोई पैसे का लेन देन सामने आया? नहीं, ये भी तो हमने जो बरामद किया है वही है, बाकी और तफ्तीश की जाएगी। इसमें जिन जिन का नाम होगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी जब्ती की है, कुछ सील लगाई है कुछ? नहीं, जब्ती चल रही है हमारी, जब्ती कार्रवाई चल रही है, अभी प्रक्रिया पूरी चल रही है। ईएसआई मेडिकल कॉलेज में कुछ जो केबिन है वो बंद किए गए हैं, सील लगाई गई है जहाँ जहाँ जिन जिन केबिन में ये लोग बैठकर काम कर रहे थे। भरत पूनिया है, क्या आप ये पूरा था और किस नाम पे पैसे ले रहे थे? देखिए
तीन लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, एक अभी हिरासत में है और कहा जा रहा है कुछ ऑफिशियल्स की इसमें मिलीभगत हो सकती है। कुछ नेता लगातार इस बात को लेकर फ़ोन कर रहे थे कि उनके द्वारा जो लोग भेजे गए हैं उन्हें नौकरी दे दी जाए। ACB पूरी चीज़ों को खंगाल रही है और अभी देखना होगा कितने और लोग ACB की जद में आते हैं। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अलवर। तो देखिए, प्रदेश में ACB का ये काफ़ी बड़ा धमाका था अलवर के, जहां ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पर्दाफाश किया गया, तीन लोगों को रिश्वत लेते पकड़ा। अलवर, अजमेर और जोधपुर से पकड़े गए एक एक आरोपी, बेरोजगार लोगों को भर्ती करने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर में नर्सिंग कर्मी महिपाल गिरफ्तार हुआ है, वहीं AMJ कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। 15 लाख की राशि के साथ मिथेश भाई भी गिरफ्तार। अजमेर होटल पर अजमेर ACB ने किया गिरफ्तार। अलवर में कंपनी का सुपरवाइजर भरत पूनिया गिरफ्तार किया जा चुका है। 4.5 लाख के साथ भरत पूनिया को गिरफ्तार किया गया है। नर्सिंग कर्मी भर्ती के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए लेते थे। नर्सिंग कर्मी अर्दली के लिए लेते थे 60 से 90 हजार रुपए। MP बालकनाथ के PA की भूमिका संदिग्ध। PA पर कंपनी से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया जा रहा है। ASP बजरंग सिंह, विजय सिंह, सतनाम सिंह ने दिया कार्रवाई को अंजाम। डिप्टी ASP कमल नैन, प्रिया व्यास और शिव सिंह की रही अहम भूमिका। DG BL सोनी और ADG दिनेश MN के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। अजमेर, जोधपुर और अलवर में चल रही थी वसूली, किसी से 80 हजार तो वही किसी से 1.5 लाख वसूल। कॉन्ट्रैक्ट पर होनी थी नर्सिंग कर्मियों की भर्ती, उसी में ESIC के स्थायी कर्मचारी भी हुए शामिल, फिर बड़े अधिकारी भी पूरे खेल में शामिल। रात भर ACB ने खंगाले दस्तावेज, फोन रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्ट तैयार होनी है। अभी उसके बाद कुछ और नाम सामने आ सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। तो देखिए, पूरे प्रदेश में ये जो ACB का धमाका है, ये काफी बड़े पैमाने पे किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलवर से अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, प्रदेश में ये ACB का काफी बड़ा धमाका है, एक साथ इतने सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। निश्चित तौर पर ऐसी बड़ी कार्रवाई ACB की कही जाएगी। MIA में जो मेडिकल कॉलेज है, एक लंबे समय से लगातार इसकी बातें हो रही थी। बीच में एक विज्ञापन निकाला गया था और ये कहा गया था प्रशासन की ओर से कि ये गलत है और इस तरह की कोई भी नौकरी का विज्ञापन मेडिकल कॉलेज या इसकी तरफ से नहीं निकाला गया है। लेकिन उसी तरह ही उन्हीं 581 पोस्ट को दिखाकर ये जो संविदा पर जो भर्तियां की जा रही थी, संविदा पर एक साल के लिए जो भर्ती होनी थी, उन लोगों से पैसे लेकर 2 महीना या 3 महीना की तनख्वाह लेकर उन्हें भर्ती किया जा रहा था। जो ACB के अधिकारियों ने कहा है कि 90 से ज्यादा लोगों को भर्ती किया जा चुका था, उनका जो पैसा इकट्ठा था वो 2 बार पैसा हुआ। एक बार इससे पहले इस कंपनी के मालिक करीब 15 लाख रुपए ले जा चुके थे और अब जो कल गिरफ्तार हुए देर रात 15 लाख रुपए लेकर जा सकते थे, दूसरी बार है। और ये उन्हीं सब लोगों से पैसा एकत्रित हुआ था जो संविदा पर नौकरी के लिए पैसा लेकर आए थे। जी बिल्कुल अश्विनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ACB का प्रदेश में ये बड़ा पर्दाफाश, काफी सारे लोगों को किया गिरफ्तार। जोधपुर से बड़ी खबर, ACB के अलवर ESIC मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल में पर्दाफाश का मामला। एम्स जोधपुर के नर्सिंग कर्मी महिपाल को किया गिरफ्तार। ACB एडिशनल SP भोपाल सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई। आरोपी महिपाल से 80 हजार नगद किए गए बरामद। महिपाल के कब्जे से मिली एक सूची में कई बेरोजगारों के मिले नाम। 10 बेरोजगारों को भर्ती की बात महिपाल ने की स्वीकार। अभ्यर्थियों से रकम लेकर भर्ती कराने की बात को उसने स्वीकार किया। ACB की टीम महिपाल को कर रही अलवर के लिए रवाना। अलवर ACB की टीम महिपाल से करेगी पूछताछ। पूछताछ में कड़ी से कड़ी जोड़कर खोले जाएंगे राज। मूल रूप से अलवर का रहने वाला है महिपाल। तो देखिए, जोधपुर से ये बड़ी खबर सामने। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जोधपुर से राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं। राजीव, तो जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, ACB के अलवर ASIC मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल में ये पर्दाफाश का मामला सामने आया, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास?
देखिए निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है, डीजीपी बीएल सोनी के निर्देशन की कार्रवाई है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने शुरू से प्रण कर रखा कि राजस्थान पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त हो, उसी के प्रति बड़ी कार्रवाई है। अलवर का जो असर जोधपुर में था, तो जो महिपाल यादव है एम्स का कर्मचारी, जो पूरे संविदा भर्ती घोटाले मामले में 80,000 रुपए नकद उसके घर से बरामद किए गए, उसके साथ में लिस्ट मिली है और लिस्ट में खूब लंबे चौड़े नाम है कि एसीबी जांच करे, मगर 10 लोगों को भर्ती कराने की बात, साठ कर की बात, पैसे लेने की बात उसने स्वीकार किए। जो एसीबी के एडीएसपी गोपाल सिंह के निर्देशन में जो यहाँ पर कार्रवाई हुई एकदम से हड़कंप सा मच गया, लेकिन ये मानकर के चलिए कि इसके तार लंबे हैं, अभी कुछ और भी बातें खुल सकती है, क्योंकि जोधपुर एम्स को लेकर के भी कई तरह के पहले सवाल उठते रहते हैं। अब जब इस तरह का मामला जब सामने आया तो हो सकता कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो कुछ और बातें सामने आ सकती है। महिपाल के जो फोन खंगाले जाएंगे, किस किस से संपर्क में थे, किस किस से कितने और पैसे दिए, उसने एसीबी को कितना सच बताया है, कितना सच अभी बाकी है, उस वक्त पर्दा उठेगा। सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े मामले के अंदर एसीबी को इतनी बड़ी कामयाबी हाथ तक की है, कड़ी से कड़ी जुड़ी है, तो निश्चित रूप से हो सकता है आने वाले 24 घंटे में कुछ और शिकायतें सामने आ सकती है जिससे महिपाल ने पैसे दिए हो और शिकायतें पहुंचने पर और कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। जी जी बिल्कुल राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।